गुड आफ्टरनून। इतने जोशीले भाषण हुए भी मेरे लिए कुछ नहीं बचा बोलने के लिए। इतने अच्छे अच्छे भाषण यहां से हुए, मुझे तेलुगु नहीं आती पर मैं वो भाव समझ पा रही थी जिस ढंग से वो बोले जा रहे थे, और मैं आपका भी भाव समझ पा रही थी जिस ढंग से रिएक्शंस हो रहे थे, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बीच में रही हूँ, यूनिवर्सिटी में रही हूँ। आप जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट चुना था, मैं प्रेसिडेंट रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की, और मैंने जो स्टूडेंट्स में रहते हुए, स्टूडेंट्स में बात करते हुए, स्टूडेंट्स में एजिटेशंस को लीड करते हुए, धरना प्रदर्शन हड़ताल करते हुए, जो मैंने वहां पर देखा है और सुना है और पाया है कि आप और हम सब साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, हम आम परिवारों में जन्मे होते हैं, कितनी कठिनाइयां हमारे समक्ष आती हैं पढ़ने में, घर से बाहर निकलने में आर्थिक तंगी आती है। भाई कहता है बाहर क्यों जा रही है तू, किस लिए जा रही, 5 बज गए ना, पिक्चर देखनी है, तो भाई कहता है छोटे भाई को साथ लेकर जा। होता है कौन सी पिक्चर जा रही है, उसका ट्रेलर पहले मैं देखूंगा। तो मुझे लगता है कि आप सब मेरी बहनें कठिनाइयों से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, जूझती हैं, ना रुकती हैं, ना टूटती हैं, ना मिटती हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का, जीवन का ध्येय गान है कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। अच्छा, वकालत करती हूँ, वकील हूँ, 24 hours अ लॉयर हूँ, और मैं आपको बहुत प्रमाणिकता से कह सकती हूँ, अथॉरिटी से कह सकती हूँ कि कोई भी व्यक्ति खुशी खुशी एक लॉयर के पास नहीं आता। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि आज घर में शादी है, वाओ लॉयर की शक्ल देख ली जाए, लॉयर के पास चला जाए, लॉयर को कार्ड लिया जाए, दिया जाए, कभी नहीं। कोई कहता है अरे आज घर में बच्चा पैदा हुआ है, लेट्स शेयर इट विद आवर लॉयर, नेवर, दिल अवॉइड अस। तो जो व्यक्ति बहुत दुखी हो चुका होता है, लुटा पिटा हो चुका होता है, चारों ओर से हार चुका होता है, ऊपर ईश्वर और नीचे वकील बचता है, तो वो बेचारा हमारे पास आता है, हमें प्रॉब्लम बताता है। वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम बताता है हम उसका उतना ही बड़ा और सिंपल सॉल्यूशन बताते हैं, उतनी बड़ी हमें फीस मिलती है। ऐसा ही होता है ना। तो जितने भी समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, समस्याएं हैं, वो सबसे पहले हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं कि समस्या शुरू हो गई है, दवा करनी शुरू कर दो। ऐसे ही मैं आपको एक केस बताती हूँ। आप जैसी एक लड़की, 12th पास किया, 12th पास करके म्यूजिक में अच्छी थी, ड्रामेटिक्स में अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, तभी कॉलेज में एडमिशन मिला, तो दिल्ली के कैंपस के कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में, हंसराज कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। उसको लगा सब ठीक है, कॉलेज के अंदर तो इक्वालिटी भी होती है, कॉलेज के अंदर तो फ्रीडम भी होती है, समानता भी होती है, डिग्निटी भी होती है, उसको लगा एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है। धीरे धीरे कॉलेज की वो हेड गर्ल बन गई, हेड गर्ल बनी, उसका अच्छा सा ग्रुप था। लेकिन एक बार जब कॉलेज के बाहर निकली तो वहां से उसने चाय की दुकान से जब लेफ्ट टर्न लिया, थोड़ी एक अंधेरी जगह थी, वहां पर 3 लड़कों ने उसको छेड़ा, वो चुप कर गई, वो अवॉइड कर गई, वो अपने घर की ओर जाने लगी, क्योंकि भारतीय स्त्री थी, माँ ने बचपन से क्या सिखाया था, 1 चुप 100 सुख सिखाती है माँ कि बेटा कुछ भी हो जाए चुप रहियो, सहना सीख ले, कल को कुछ भी हो जाए बोलेगी तो कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। तो वो चुपचाप अपने घर में चली गई। सेकेंड डे फिर ऐसा हुआ,
वो और उसकी दो सहेलियां गई और वहां उन्हीं लड़कों ने उसका दुपट्टा खींचा। अब दिस वॉज बिकमिंग टू मच फॉर हर। थर्ड डे एक ने पीछे से पकड़ लिया। अब माँ की क्या सीख थी वो भूल गई, एक चुप सौ सुख वो भूल गई। उसने कहा क्या करूं, किससे बात करूं, घर में बात कर नहीं सकती। उसने अपनी सहेली अपराजिता को फोन किया जो एक लॉयर है, सच्ची घटना है। अपराजिता को उसने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अपराजिता ने कहा 100 नंबर पे कॉल कर, पुलिस को बुला, पुलिस आएगी इनको पकड़ लेगी। जैसे उसने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, ये लोग भाग गए। 3 दिन तक ऐसा चला, जैसे ही ये लोग जाते वो छेड़ते, पुलिस आती वो भाग जाते। जब 4th दिन उन लड़कों ने इस पर और इसकी सहेलियों पर अटैक किया, दिस वॉज टू मच टू बियर। कहा अपराजिता क्या करूं, अपराजिता ने कहा लोकल पुलिस स्टेशन में जा। अब लड़की क्या, लड़के भी डरते हैं पुलिस स्टेशन में जाने में, पुलिस तो सबसे बड़े बदमाश होते हैं, है कि नहीं है। तो लड़की अवॉइड करती है पुलिस के पास नहीं जाना। तो अपराजिता ने कहा जा पुलिस में। तो सुनीता अपनी सहेलियों के साथ पुलिस स्टेशन में गई। वहां ड्यूटी ऑफिसर बैठा हुआ था, उसे ड्यूटी ऑफिसर से कहा कंप्लेन देनी है, ऐसे ऐसा हुआ। अपराजिता ने कहा था सुनीता डिटेल में कंप्लेन देना, लिखना किस दिन किस जगह पर किस समय क्या हुलिया था, कौन से लड़के थे, नाम पता है, किस कॉलेज के हैं या कहीं रहते हैं वो पता है, वो सब कुछ देना और बताना एग्जैक्टली क्या हुआ था। उसने वैसे ही कंप्लेन बनाई थी, पर ड्यूटी ऑफिसर ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा मैडम ये सबको छेड़छाड़ तो होती रहती है, अब आप इन छोटी छोटी बातों के लिए पुलिस में आएंगे तो। अपराजिता ने फोन पे कहा नहीं छोटी बात नहीं है, छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है और वो लड़के अरेस्ट हो जाएंगे, तू कंप्लेन दे। पर ड्यूटी ऑफिसर ने कहा अरे SHO तो गया हुआ है बंदोबस्त पे, कोई VIP मूवमेंट है, आप कल आइएगा। अपराजिता ने उसको बताया कि कंप्लेन देने के लिए FIR लॉज होने के लिए SHO की आवश्यकता नहीं है। अपराजिता ने कहा सुनीता 100 नंबर पे कॉल कर, वहां पे जो ACP DCP है उनका फोन नंबर ले, उनका फोन नंबर ले, मोबाइल नंबर ले, उस पर कंप्लेंट कर कि मेरी कंप्लेन लॉज नहीं कर रहे। अपराजिता ने 100 नंबर से DCP का नंबर लिया, वहां पर कंप्लेंट किया कि मेरी कंप्लेंट ही यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर नहीं ले रहा, SHO है नहीं। उस DCP ने अपनी पुलिसिया भाषा में उस SHO को लॉ समझाया होगा। तो जो पुलिस वाला था वो बंदोबस्त छोड़कर, VIP मूवमेंट छोड़कर SHO सीधा आ गया इसकी कंप्लेंट लेने के लिए। कंप्लेंट भी लॉज हुई, उस पर FIR भी लॉज हुई। हम जो देते हैं वो कंप्लेंट होती है, अगर वो सीरियस ऑफेंस होता है उसमें 3 या 3 साल से अधिक की सजा होती है तो उस पर पुलिस वाले FIR लॉज करते हैं। FIR लॉज हुई, 2nd day पुलिस वाले साथ गए, उन तीनों लड़कों को अरेस्ट किया, वो जेल में चले गए। सुनीता रातों रात अपने कॉलेज की स्टार बन गई, उसको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं थी। अब तो आसपास के 7 colleges में कहीं कोई लड़की के साथ दुर्व्यवहार करता तो लड़कियां पुलिस के पास नहीं जाती, लड़कियां ढूंढती मैडम सुनीता, और लोगों को पता होता कि किसलिए सुनीता का नाम लिया जा रहा है, वो बताते हैं ये क्लासरूम है उसका। और जैसे ही सुनीता पुलिस स्टेशन में जाती तो SHO सब काम छोड़कर वहां आ जाता, क्योंकि उसको उसका पुलिस वाला कहता फोन पे सर जी सुनीता मैडम आई हैं। तो जब आप अपने लिए खड़े होते हो, जब आप अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होते हो, ज्ञान के साथ खड़े होते हो, तो आप अपने वहां पर अपने ही लीडर नहीं बनते, समाज के लीडर बन जाते हो। मैं चाहती हूं आप में से एक एक लड़की ऐसी समाज की लीडर बने। सुनीता की ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लग गई, साउथ कैंपस के एक कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी लग गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि घर में छोटा भाई था, पिताजी की इतनी इनकम नहीं थी, उसको पढ़ाना था, सब कुछ करना था, इसलिए नौकरी लगी, उसको अच्छा लगा। उसने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन किया तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, अब यहाँ ये एम्प्लॉई थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो था वो एक्सटेंशन पे था,
60 साल तक के बाद नौकरी करने के बाद रिटायर होने के बाद इसको 2 साल की एक्सटेंशन मिली थी। वो ठीक सुनीता के सामने बैठता, वो इसको कहता तू मेकअप करके क्यों नहीं आती, तू और लड़कों से बात क्यों करती है, तू मेरे साथ लंच क्यों नहीं करती। वो इसको रात रात को फोन पर व्हाट्सएप पर पुराने हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स भेजता। अब सुनीता को लगा एक और मोर्चा खुल गया है, मैं क्या करूं, इतनी मुश्किल तो नौकरी लगी है, मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं, मैं कहूंगी कि तो नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। फिर फोन किसको गया, अपराजिता को। अब क्या करूं, अपराजिता ने कहा हर कॉलेज में हर वो जगह जहां 10 से अधिक लोग काम करते हैं वो वर्क प्लेस कहलाता है, और हर जगह सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेसेस के तहत उसको प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटियां बनी होती हैं। इसलिए अपनी इंटरनल, तो सुनीता ने पूछा प्रिंसिपल से आपके यहाँ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, जहां 10 लोग काम करते हैं वहां पर होनी चाहिए, वहां तो नहीं थी। रातों रात इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई गई, सुनीता ने वहां पर अपनी कंप्लेंट दी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में 5 लोग होते हैं, 4 कॉलेज के होते हैं और एक कोई लॉयर या एनजीओ बाहर से आता है। मैंने ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं, ये सच्चा केस है, मैं इसलिए कहती हूँ कि आप जैसी मेरी बहनों का केस है। वहां पर कंप्लेंट्स कमेटी में इसने कंप्लेन दी, आदमी को बुलाया गया, आदमी कहते हैं मुझे तो SMS करना भी नहीं आता, ये व्हाट्सएप क्या होता है। तो सुनीता ने अपना फोन दिखाया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपने गवाह पेश किए, और वहां से उसने अपने गवाह पेश किए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, तो ध्यान आया जितने किशोर कुमार के सॉन्ग हैं उसने सब सॉन्ग सुनीता को भेज रखे थे। अल्टीमेटली ये प्रूव हुआ कि वो आदमी गलत है, गलत कर रहा है, उसे कहा गया रिजाइन करो और उसने अपॉलॉजी मांगी, माफी मांगी सुनीता से, उसको रिजाइन करना पड़ा। सुनीता वहीं काम करती रही, अल्टीमेटली उसी कॉलेज में परमानेंट हो गई। अब सुनीता जब जाती आती थी साउथ कैंपस के कॉलेज में, देखने में अच्छी लगती थी, किसी लड़के का दिल आ गया, होता है ना ऐसे, तो किसी लड़के का दिल आ गया, उसने कहा मुझे तो शादी करनी है तुमसे, उसने कहा मेरे माँ बाप से बात करो, जैसा वो कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। अब माँ बाप से बात की, लड़का अमीर था, देखने में ठीक था, सुनीता को प्यार करता था, तो उनकी शादी हो गई। बहुत पॉश कॉलोनी में रहता था, अपना घर था, सब था। शादी के बाद, शादी में कहा गया हमें दहेज नहीं चाहिए, क्यों, सब कुछ तो है हमारे पास, हमें दहेज नहीं चाहिए, दहेज नहीं दिया गया। शादी के बाद थोड़े बहुत ही ताने चलते थे, हमें नहीं अपनी बेटी को ही दे देते, बड़ी नहीं छोटी गाड़ी ही दे देते, ज्वेलरी नहीं तो सिक्के ही दे देते, पर हल्के फुल्के ये टॉन्ट्स चलते रहे, लेकिन सुनीता सहती रही क्योंकि पति उसको प्यार करता था। सुनीता की बेटी हुई, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई, बात बात पे हस्बैंड और मदर इन लॉ कहती कि तुम्हें तो पाल रहे थे, अब एक और को पालना पड़ेगा। सुनीता फिर भी सहती रही क्योंकि घर परिवार अच्छा था, पीछे दिल्ली पब्लिक स्कूल में बेटी का एडमिशन भी करा दिया। लेकिन एक बार उसका हस्बैंड आया, उसने कहा आज सैटरडे है, अगले सैटरडे तक मेरा घर खाली कर, तू घर में रहती है, तू तो मोटी हो गई है, तू तो मेरे साथ बाहर हाई सोसाइटीज में नहीं जा सकती है, तुझे तो अपना परिवार और बच्ची के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, अब तू मेरे लायक नहीं रही है, मुझे तो प्रेरणा से प्यार हो गया है, मैं तो उसके साथ ही शादी करूंगा। ये सच है, उसने कहा मेरा घर एक हफ्ते में खाली कर। अब उसने कहा ये तीसरा मोर्चा, अब क्या करूं। उसने फिर अपराजिता को कॉल किया, अपराजिता ने कहा दिस इज समथिंग सीरियस। अपराजिता ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का केस बनाया, मेंटेनेंस का केस बनाया, और नेक्स्ट डे मंडे को जब फाइल किया तो ट्यूजडे को हियरिंग पे आया। ट्यूजडे को डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट से उसे सुनीता के लिए 4-5 ऑर्डर्स ले लिए। फर्स्ट हियरिंग पे पहला, सुनीता को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, राइट टू रेजिडेंस का ऑर्डर। दूसरा,
सुनीता को और उसकी बच्ची को 15,000 रुपया इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाएगा। तीसरा, कोई भी इसको मार नहीं सकता, रेस्ट्रेंट को ऑर्डर। चौथा, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट की गई, एक पुलिस ऑफिसर जो 24 घंटे इसके लिए सुनीता के लिए अवेलेबल थी। सुनीता वहीं रही। धीरे धीरे प्रेरणा ने भी इसके पति को छोड़ दिया। पति वापस आ गया, ये अपने परिवार में ठीक से रहे। ये वो सब कैसे कर पाई? ये कर पाई ज्ञान के कारण, ये कर पाई कानून की जानकारी के कारण, ये कर पाई आत्मबल, स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस के कारण। ये कर पाई क्योंकि उसने माना, मैं जो भारत की महिला हूं, मैं अबला नहीं हूं, मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मैं शक्ति हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं। क्योंकि भारत में कभी भी हेल्पलेस विमेन की पूजा नहीं की गई है। यहां जब भी पूजा की गई है तो महिला की तब की गई है जब वो शक्ति स्वरूपा होती हैं। यहां जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अपनी ताकत को एकत्रित करते हैं तो माँ बनती है और माँ महिषासुर का नाश करती है। इसलिए आप सभी के अंदर की जो शक्ति है, जो दुर्गा है, जो सुनीता की शक्ति है, उस सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुनीता ने अपने कर्मों से दिखा दिया, वो जहां भी रही उसने दिखा दिया, चाहे यूनिवर्सिटी में रही, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में रही, चाहे वो ससुराल में रही, चाहे वो अपने समाज में रही, कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। मैं एक बात और कहूंगी आपको, अभी मुझसे पहले दो वक्ताओं ने जो बात रखी, वो बात उन्होंने रखी है कि हमारे भारत में महिला की स्थिति क्या थी। आपको ध्यान हो, अगर हम वंदन करते हैं भारत की महिला का तो क्यों करते हैं? वो वंदन हम इसलिए करते हैं कि भारत में महिला, नारी, स्त्री हमेशा से स्वच्छंद रही है, स्वतंत्र रही है, शिक्षित रही है, सम्मानित रही है। उसने पंडितों को, ऋषियों को, महर्षियों को ही चुनौती नहीं दी, उसने तो स्वयं शंकराचार्य को चुनौती दी है, उसने स्वयं यमराज को चुनौती दी है, उसने स्वयं भीष्म पितामह को चुनौती दी है, और उसको कभी मारा नहीं गया, उसको कभी काटा नहीं गया, उसको कभी पत्थर नहीं मारे गए, जलाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको विद्वान कहा गया, विदुषी कहा गया, क्योंकि वो उस भारतीय संस्कृति में जन्मी है जहां महादेव भी अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आते हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि जो ईश्वर भी है वो आधा नर है, आधा नारी है। नारी और नर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। और जैसे मेरी अभी बहन ने कहा, प्रसन्ना जी ने कहा कि हमारे भारत की संस्कृति में जब पोर्टफोलियोस बढ़ते हैं सरकारों में, तो जब पोर्टफोलियो डिफेंस मिनिस्ट्री का आता है वो जाता है माँ काली के पास, जब एजुकेशन मिनिस्ट्री को जाना होता है वो जाता है माँ सरस्वती के पास, और जो मोह माया का, फाइनेंस का पोर्टफोलियो जाता है वो किसके पास जाता है? माँ लक्ष्मी के पास। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तो नारद मुनि के पास ही जाती है। हमारा भारत वो रहा है जहां सावित्री ने सत्यवान के प्राण लेने के लिए वाद विवाद किया, शास्त्रार्थ किया यमराज से, और ऐसा उसको बातों में उलझाया, यमराज ने उसको, उसे प्रभावित होकर उसको वरदान किया, जाओ तुम्हारे 100 पुत्र हों। उसने कहा, 100 पुत्रों का वरदान तो दे रहे हो, मेरे पति को लिए जा रहे हो? तो यमराज को पति के जान बख्शनी पड़ी। हमारे यहां तो गार्गी हुई है। अब गार्गी ने क्या किया? गार्गी ऐसी विदुषी हुई है जो ऋषि यज्ञ वल्के को उसने चैलेंज किया, अरे तुम कैसे महर्षि, तुम यहां से राजा जनक के दरबार से 1,000 सोने की मुद्रे और 1,000 गायें कैसे लिए जा रहे हो? आई चैलेंज यू,
मुझसे शास्त्रार्थ करो, मुझे हराओ, तभी ले जा सकते हो। उस समय किसी ने ये नहीं कहा, अरे ये तो स्त्री है, ये कैसे शास्त्रार्थ करेगी। हो उस समय इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। यज्ञवल्क्य से वहां शास्त्रार्थ हुआ, और जो शास्त्रार्थ हुआ उस समय जो उनका वार्तालाप हुआ उससे वेद मंत्र लिखे गए। उसके बाद हम सबको मालूम है चुनौती किस अवस्था में दी थी द्रौपदी ने भीष्म पितामह को, किस अवस्था में। उस अवस्था में जब दुशासन ने द्रौपदी को जमीन पर पटक दिया था, उसके केश नोच रहा था और कहा था ये हमारी प्रॉपर्टी हुई है, वो जो स्लेव बन चुका है, दास बन चुका है, एक दास मुझे किसी को दांव पर लगाया जा सके। भीष्म पितामह चुप थे, कृपाचार्य चुप थे। भारत की संसद पर पार्लियामेंट में लिखा गया है, उसने कहा कि वह सभा वृद्ध ना हो जो नहीं जो धार्मिक ना हो, वह धर्म धर नहीं जिसमें सत्य ना हो, वह सत्य सत्य नहीं जिसमें छल हो। मीरा, हम केवल जानते हैं कि मीरा बाई तो कृष्ण के रंग में रंगी थी। क्या हम जानते हैं शी वॉज द फर्स्ट प्रोटेस्टर, शी वॉज द फर्स्ट रेबिलियस लीडर। उस समय विधवा ना नाच सकती थी ना गा सकती थी, विधवा को घर के अंदर रहना पड़ता था। ये नाचती भी थी, ये गाती भी थी समाज के सामने। समाज ने कहा ये तो विद्रोही हो गई है, समाज ने इसको विष का प्याला दिया, पर अपने आत्मबल के कारण वो अमृत हो गया। ऐसी मीराबाई। और क्या वो गाना क्या है, कहने को जश्न बहारा है, इश्क भी देख के हैरा है। कौन सी पिक्चर है, जोधा अकबर। हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, म्यूजिक डायरेक्टर कौन था, एआर रहमान। लिरिक्स किसने लिखे थे, जावेद अख्तर। अब आप बताइए क्या ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय हमें बताएंगे कि अकबर कौन था। पूछो महारानी दुर्गावती से, महारानी दुर्गावती का साथ चाहिए। सब कुछ छोड़कर वो वन में गई अपने पति के साथ, और वहाँ जो उनका वार्तालाप हुआ, एक एक मंत्र और एक एक श्लोक पे जो उनका शास्त्रार्थ हुआ, ये अर्थ नहीं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसमें डिसेंट भी था, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी था। ये सब हुआ उससे वेद मंत्र लिखे गए। हम जीजाबाई के बारे में जानते हैं, रानी चिदम्बा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं। लोक मुद्रा कौन है, लोक मुद्रा बिग बॉस की कंटेस्टेंट है ऐसा। पर जब वो जन्मी थी उनके माँ बाप को क्या मालूम था कि बड़ी होगी तो कोई बिग बॉस करके कोई शो आएगा और उसमें वो कंटेस्टेंट होगी। उन्हें तो किसी महान विदुषी के नाम पर उनका नाम रखा था लोक मुद्रा। लोक मुद्रा थी ऋषि अगस्त्य की पत्नी, वो ऐसी विदुषी थी जिन्होंने पंचदासी मंत्र लिखे। पर इतना सब कर पाई, विरोध नहीं हुआ, मारा नहीं गया, अत्याचार नहीं हुए, कैसे? क्योंकि ये मेरी बहनें उस संस्कृति में नहीं जन्मी थी जिस संस्कृति में कहा जाता है ये आदमी है, आदमी की टेढ़ी पसली से औरत का जन्म होता है। जैसे विमेन इज बोर्न आउट ऑफ द क्रूकेड रिब ऑफ मैन, यानी ये आदमी है, ये आदमी की टेढ़ी पसली है। आप बताइए एक आदमी और उसकी टेढ़ी पसली बराबर हो सकते हैं? नहीं। सम्मान मिल सकता है इस टेढ़ी पसली को? नहीं। समानता मिल सकती है? नहीं। स्वतंत्रता मिल सकती है? नहीं। ये टेढ़ी पसली तो इंफीरियर ही रहेगी, आदमी सुपीरियर ही रहेगा, आदमी चाहे जितनी मर्जी टेढ़ी पसलियां ले आए, एक को हटा दे दूसरी को ले आए, दूसरी को हटा दे तीसरी को ले आए। यहाँ तो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का आपस में रिलेशनशिप है। आप उस संस्कृति में नहीं जन्मी जिस संस्कृति में कहते हैं ओ
Adam was the first man and Adam ki companionship ke liye Eve ko paida kiya gaya. Un dono ko garden of Eden mein rakha gaya. Aur God ne kaha, you don't have to eat this forbidden apple. Varjit phal nahi khana. Ab jo mahila thi, jo Eve thi, usne shaitan ke kehne pe wo varjit phal swayam bhi kha liya aur Adam ko bhi khila diya. और उसके कारण से वो दुनिया की पहली पापिन बन गई. सो वुमेन इज द फर्स्ट सिनर ऑफ द वर्ल्ड. ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये बाकी संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है. इसलिए जिसको फर्स्ट सिनर कहा जा गया वो तो पापी नहीं रहेगी ना, वो आदमी के साथ इक्वल कैसे हो सकती है. इसलिए उसको पत्थर भी मारे गए, चुराहे पे चुड़ैल और डायल कहके जलाया भी गया, वो कभी बराबर नहीं हो पाई. इसलिए ये मेरी बहनें जो इस संस्कृति में जन्मी हैं या सिनर हैं, वहां फेमिनिज्म की बात. फेमिनिज्म इज एन एसेंशियली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. कहते हैं भारत में फेमिनिज्म की बात नहीं होनी चाहिए, महिला जागृति की बात होनी चाहिए. आई एग्री विद इट, मैं मानती हूँ. पर उन बेचारी वेस्ट की महिलाओं को देखो, उनकी स्थिति क्या थी. फेमिनिस्ट मूवमेंट वेस्ट में क्यों शुरू हुआ, उन्होंने कहा वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट प्रॉपर्टी, वी वांट इक्वालिटी. हम वस्तु नहीं है, हम इंसान है, हमें इंसान रहने दो. 1920 तक अमेरिका में विमेन को वोटिंग राइट नहीं थी. 1928 में यूके में विमेन को वोटिंग राइट नहीं थी. और जिस स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं ना, शादी करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाएंगे, उस स्विट्जरलैंड में 1959 में रेफरेंडम कराया गया कि स्विट्जरलैंड के पुरुषों बताओ, शुड वी गिव राइट टू वोट टू विमेन. आंसर वाज नो, दे डोंट डिजर्व इट. संघर्ष चला और 1971 में स्विट्जरलैंड में विमेन को राइट टू वोट मिला. और जिसको आप किंगडम ऑफ गॉड कहते हो, रोमन वैटिकन सिटी, वहां आज भी, जहां पोप कहते हैं, वहां आज भी महिला को राइट टू वोट नहीं है. क्या कारण है कि यूएसए में ट्रंप इज द 45th प्रेसिडेंट, आज तक एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं हुई. वो इसलिए नहीं हुई कि 1920 तक जब 33 यूएस प्रेसिडेंट्स बन चुके थे, महिला कुड नॉट वोट, उनको राइट टू वोट था ही नहीं. इसलिए जब हम भारत में बात करते हैं, फेमिनिज्म तो वहां का एक वर्ड है. आप उस वर्ड को यहाँ मत लगाइए, आपका वही हाल होगा जो हम वकीलों का हाल होता है. हम वकील दिल्ली की गर्मी में जब पसीना आ रहा होता है तो काला कोट पहनकर घूम रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में ठंड होती है, वहाँ वकील काला कोट पहनते हैं, इसलिए यहाँ भी काला कोट पहनो. तो वही हाल आपका होगा कि गर्मी में लोग कहेंगे इसको क्या हो गया है, जब लोग धोती कुर्ते में घूम रहे होंगे, आपने काला कोट, ऊपर से पैंट लगाकर आपने गाउन पहना होगा, उसके ऊपर बड़ा सा वकीलों का. तो फेमिनिज्म का वर्ड यहाँ टोटली इनएप्रोप्रिएट. आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, अपनी कुछ इंजीनियरिटी निकालिए ना. जरूरी हमें कॉपी कैट बनना है वहां से. भारत में स्त्री और आदमी, पुरुष दोनों ने इकट्ठे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, दोनों ने इकट्ठे बात की. क्योंकि मुगल काल जब आया उसके बाद लड़की को अंदर रख दिया गया. आज ISIS के कारण से सीरिया में और इराक में लड़कियों को घर के अंदर रखना पड़ रहा है, वो प्रोग्रेस कैसे करेगी. ऐसे ही जो मुगल काल आया तो भ्रूण हत्या, चाइल्ड मैरिज, जल्दी शादी करो, और शिक्षा, विडोरी मैरिज नहीं होगी, ये सब कुरीतियां आ गई जो कभी थी नहीं, ये सर्कमस्टेंसेस के कारण से आई. हमारे अध्ययन सरस्वती, राजा राम मोहन राय, कितने ही आदमी हुए, कितनी ही लेडीज हुई, उन सब ने इकट्ठे मिलके इन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया. आपके दुर्गा बाई देशमुख हुई जिन्हें संघर्ष किया, रुद्रम्मा देवी हुई जिन्हें रूल किया यहाँ पर, और भारतीय संस्कृति के अनुसार ही रूल किया यहाँ पर. तो अब आखिर में तीन संस्कृतियां हमने देखी. एक संस्कृति वो है जो जाली से खुला आसमान देखना चाहती है, जो उड़ना चाहती है, जो कहती है तुम कौन होते हो मुझे तलाक 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 कहते, मैं इसको नहीं मानूंगी,
यही मेरी बहने शारा बानो आफरीन और इशरत जहां, यही मेरी बहने गई सुप्रीम कोर्ट और कहा निरस्त कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक 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 करके कहने वालों को कहा अब बोलोगे जेल में जाओगे, नहीं कह सकते। दूसरी संस्कृति है जो कहती है स्वच्छता की बात करती है, मैं यहां जाऊं वहां जाऊं मेरी मर्जी, मैं शादी करूं ना करूं मेरी मर्जी, मैं बच्चे पैदा करूं ना करूं मेरी मर्जी, तुम कौन हो? तो वो और उसकी मर्जी आगे बढ़ गए, बच्चा पति परिवार सुख शांति सब पीछे। ये मैं नहीं कह रही, ये बेटी फ्रीडन कह रही है जिन्होंने एक किताब इस पे लिखी द फेमिनिन मिस्टिक, जो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट लीडर हुई है। और तीसरी संस्कृति क्या है, वो है भारतीय संस्कृति, जहाँ स्त्री की कल्पना वस्तु की नहीं है, शरीर की नहीं है, देवी की कल्पना है, स्त्री की कल्पना है माँ की है, जननी की है। हमारा आदर्श रानी लक्ष्मीबाई है जिनके एक हाथ में घोड़े की नाल रहती है, दूसरे में तलवार रहती है और पीछे बच्चा बंधा रहता है, जो कहती है मैं अपने करियर में भी आगे बढ़ूं, मैं परिवार का ध्यान भी रखूंगी, मैं पति और बच्चे का ध्यान भी रखूंगी, मैं समाज का ध्यान भी रखूंगी और राष्ट्र के काम आऊंगी। हमारी वो संस्कृति है जो कहती है शिव शक्ति के बिना शव है, इसलिए ये संस्कृति है अर्धनारीश्वर की संस्कृति है, बराबरी नहीं पूरकता की संस्कृति। अब आप कहेंगे मैम ये सब बात ठीक है, बट व्हाट अबाउट निर्भया? आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्या हो रहा है? हम पहले की बात करते हैं, मुगल काल की बात करते हैं, आज घरों के अंदर क्या हो रहा है, आप उस पर भी तो बोलिए। तो मैं ये कहती हूँ कि स्त्री के लिए जन्म लेना ही एक चुनौती है, ये आप भी मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। जब ऊपर से ईश्वर हजार लड़के भेजता है उनका डिलीवरी लेटर साइन हो जाता है सेफली रीच्ड सेफली डिलीवर्ड, पर जब ऊपर से हजार स्त्रियां भेजता है बच्चियां भेजता है वो 50, 60, 70 बच्चियां कहाँ जाती हैं? तो उन बच्चियों के लिए जन्म लेना ही। फिर जब बच्ची की पहली किलकारी गूंजती है और ढोल वाले को कहा जाता है क्या ढोल बजा रहा है लड़की पैदा हुई है, अगली बार आई हो पीर बाबा की मन्नत मांगी है, अगली बार तो लड़का ही होगा, तो उस नवजात शिशु के लिए मुस्कुराना ही एक चुनौती। फिर स्कूल जाना एक चुनौती है कि घर में बच्चों को देखेगी, छोटे भाई बहन को देखेगी, माँ के काम में हाथ बटाएगी या स्कूल में जाएगी, और फिर सब्जेक्ट्स कौन से चुनेगी, चूज सब्जेक्ट्स विमेन लाइक माइक्रोबायोलॉजी चुन रही है, लेबोरेटरी में लड़कों के साथ खड़ी रहेगी शाम तक, चल पॉल साइंस ले ले, चल हिस्ट्री ले ले। तो ये कौन तय करता है कि सब्जेक्ट्स कौन से लेंगे? वो भी चाचा ताया मामा तय करते हैं। उसके बाद कॉलेज जाना है, किस शहर के कॉलेज में जाना है, गर्ल्स कॉलेज में जाना है या कोएड कॉलेज में जाना है, क्या पहन कर जाना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, अपने फ्रेंड्स के नाम की लिस्ट दो, पिक्चर क्यों जाना है, मैंने पहले कहा भाई को लेकर जा। तो उसके बाद जब नौकरी करनी है तो शरीफ बॉस मिलना एक चुनौती है, मैं तो आर्मी नेवी एयरफोर्स पता नहीं कितने ही केसेस कर रही हूँ, और वहां पर भी ग्लास सीलिंग को तोड़ना कि लड़कियां सिर्फ जूनियर वकील ही रहेंगी सीनियर नहीं बन सकती, वो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगी वो सीनियर पोस्ट पे नहीं आएंगी, वो भी एक चुनौती है। और जब शादी का समय आता है और जब बारात आपके दरवाजे पर आती है और कह दिया जाता है हमें स्विफ्ट डिजायर नहीं होंडा सिटी कार चाहिए, तो अगले 20 सालों तक उस लड़की को उस घर में रहना पड़ता है उस ताने के साथ कि अरे होंडा सिटी दरवाजे पर थी, चाबी भी वही थी, इस स्विफ्ट डिजायर के साथ काम चलाना पड़ रहा है। और उसके बाद उन अपने बच्चों के सामने स्वाभिमान के साथ रहना भी एक चुनौती है, जो बच्चे देखते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरी डॉक्टर भी है, मेरी साइकेट्रिस्ट भी है, मेरे मन की बात सुन लेती है, ये दुनिया है मेरे लिए। जब उसके सामने कह दिया जाता है कि घर में इम्पोर्टेंट बात चल रही है, प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तू जा किचन में खाना बना, तू जा पानी लेकर आ,
तो बच्चा देखता है मेरी माँ का कोई वजूद नहीं, मेरी माँ का कोई सम्मान नहीं है, कैसे मेरे पिताजी माँ को ट्रीट करते हैं, कैसे जो घर में ससुर होते हैं वो सास को ट्रीट करते हैं, कैसे जो भाई होता है वो बहन को ट्रीट करता है। तो इन सब चीजों से पार पाना भी एक चुनौती है। इसलिए दुर्व्यवहार कैसा भी हो, कहीं भी हो, अपने घर से शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रही वायलेंट हो जाइए, एग्रेसिव हो जाइए, मैं ये कह रही हूँ कि आपने अगर घर में अन्याय होते हुए चुप रहे तो ये अन्याय निर्भया तक जाएगा। हमारे घर के बच्चों को यही संस्कार आएगा, लड़की तो पांव की जूती है, लड़की तो नीचे है, बराबर नहीं है। इसलिए किसने बहुत खूब कहा है कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मेहंदी छोड़ो खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, ये क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आए। अब हम क्या कर सकते हैं? आपके पास मोबाइल है? सबके पास? किसके पास मोबाइल नहीं है वो हाथ खड़ा कर। एक, सबके पास मोबाइल? मैं कहती हूँ ये मोबाइल नहीं है, ब्रह्मास्त्र है। ये जब एक बार चल जाता है तो वापस नहीं होता। सोच समझ के चलाइए। इस ब्रह्मास्त्र से ही आपने निर्भया पर पूरा कानून बदल कर रख दिया। इस ब्रह्मास्त्र से ही आपने कहा शनि श्रृंगापुर से लेकर हाजी अली दरगाह तक महिलाएं क्यों नहीं जाएंगी, महिलाएं जा सकती हैं। आप राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिग्निटी लेकर आए। इस ब्रह्मास्त्र से ही आपने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। इसलिए केवल फॉरवर्डेड मैसेजेस मत करिए इस ब्रह्मास्त्र पर। करते हैं ना, जागो, सोए पड़े हो, करते हैं। लिखिए, उसके लिए अच्छा अध्ययन कीजिए, अच्छा पढ़िए। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे, उतने लोग उसको लाइक करेंगे, आपके मैसेजेस को फॉरवर्ड करेंगे। आप हर व्यक्ति कुछ ऐसा लिखो जो आपको लगता है कि लिखना चाहिए, कि लोगों के बीच में आना चाहिए। ज्योत से ज्योत जगाते रहो। ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब राम सेतु बन रहा था, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, तो एक गिलहरी बेचारी रेत पर जाती, रेत को अपने शरीर पर लगाती, फिर पानी में डुबके लगाती। लोगों ने कहा तुम क्या कर रही हो, उसने कहा इतने बड़े बड़े योद्धा है, मैं तो इस राम सेतु के लिए अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूँ। आपके पास ब्रह्मास्त्र है, उसे अपना अपना गिलहरी प्रयास इस समाज के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए जारी रखिए। और यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी न्याय की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद।